अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम है असदुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी AIOU। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तुलबा के लिए 2 से लेकर 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि सर, हम सेंटर चेंज के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं और फीस माफी के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सेंटर चेंज वाले तालिबे इल्म हैं, उनकी डेट यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की है कि 10 अक्टूबर, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए, बीकॉम, बीएस, बीएड वाले, वो 10 अक्टूबर तक अपने सेंटर चेंज करवा सकते हैं। 10 अक्टूबर के बाद आप लोगों का सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा, पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि फीस माफी के लिए कब तक अप्लाई करते, फीस माफी की कोई डेट यूनिवर्सिटी स्पेशली अनाउंस नहीं करती, लेकिन इतना यूनिवर्सिटी बताती है कि एडमिशन क्लोज होने से 20 दिन पहले या 15 दिन पहले ही आपने फीस माफी के लिए अप्लाई करना होता है, इसके बाद जो फीस है वो यूनिवर्सिटी माफ नहीं करती। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है तो आज वाले दिन यानी कि आजकल वाले दिन में अप्लाई कर दे, इसके बाद फीस माफ नहीं की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो इस हवाले से है कि यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट का जो ऑप्शन है वो अगेन से ऑन कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कि CMS पोर्टल के ऊपर उनको कोई मसला आ रहा था, वहां पर उनका रिजल्ट नहीं शो रहा था, तो अभी वहां पर माई एग्जाम एंड ग्रेड के ऑप्शन के अंदर आप जाकर अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। और उस रिजल्ट के बेस के ऊपर अगर आपने कोई चीज चेक करनी है, कोई एडमिशन वगैरह भेजना है, तो वो एडमिशन भी आप भेज सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे मैट्रिक, FA, ICOM वाले, उनको यूनिवर्सिटी ने मजीद एक्सटेंशन दी है एडमिशन के हवाले से। अभी इस पॉइंट को आपने समझना है, एक्सटेंशन सिर्फ उस स्टूडेंट्स को मिली है जिन्होंने चलान पहले से निकाल लिया है, यानी कि अगर आपने चलान निकाल ली है और अभी तक उसकी फीस जमा नहीं करवाई तो आप 12 अक्टूबर तक उसकी फीस जो है वो जैस कैश या इजी पैसा या बैंक के थ्रू जमा करवा सकते हैं, लेकिन आप न्यू चलान नहीं निकाल सकते। चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, चाहे आप कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू चलान आप नहीं निकाल सकते। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चलान निकाला हुआ है, चाहे 1 महीना पहले निकाला था या 2 दिन पहले निकाला था और फीस पे नहीं की थी, तो वो स्टूडेंट्स 12 अक्टूबर तक अपनी जो फीस है उसको जमा करवा सकते हैं। वैसे एडमिशन क्लोज हो चुका है, सिर्फ फीस जमा करवाने के लिए यूनिवर्सिटी ने डेट में एक्सटेंशन की है। तो ये 2 से लेकर 4 अपडेट मैंने सोचा इसके बाद से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।